आज हम लोग देश के प्रथम समाजवादी प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का 91वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और उनका पूरा जीवन एक आदर्श के रूप में उन्होंने बिताया और हिंदुस्तान की राजनीति में वो अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी कोई मंत्री का पद नहीं लिया, सीधे सीधे प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री होते हुए भी वो उनका जो जीवन था वो समाजवाद के लिए एक आदर्श जीवन था। और हमेशा चंद्रशेखर जी अपने जीवन में गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की, मजलूमों की लड़ाई आजन्म लड़ते रहे और गरीबों की समस्याएं क्या हैं, किसानों की समस्याएं क्या हैं, जो कमजोर लोग हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, उन्हें धरातल पर जानने के लिए उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर और दिल्ली तक की पद यात्रा करने का काम किया था और लगातार उनकी समस्याओं को लेकर जब दिल्ली में प्रदर्शन हुआ तो उस दिन दिल्ली की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था और हिंदुस्तान की सरकार को उनकी समस्याओं पर सुनवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। तो आज हम लोग सब समाजवादी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में उनका 91वां जन्म दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। तो अभी वो नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष करते रहे। कांग्रेस पार्टी में जब वो आए तो उन्होंने युवा तुर्क के नाम से कहलाए,